हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धीरेन्द्र पंत, वर्किंग एज अ साइंस मैथ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। यू आर हार्डली वेलकम इन दिस चैनल। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 126 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5 ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। फर्स्ट, एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। तो अभी तक आपने जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए वे सिंपल लीनियर इक्वेशन थे। अब आप जो लीनियर इक्वेशन हल करेंगे यह थोड़ा कठिन रूप में होंगे। इन्हें आप पहले सरल समीकरणों में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद इसे हल करेंगे। तो इस समीकरण को सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं 2, 5, 3 एंड 4 इनका LCM यानी लॉस ऑफ लेंगे। तो 2, 5, 3 और 4 का LCM 60 होगा। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 60 इंटू एक्स अपॉन 2 माइनस 60 इंटू 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 60 इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस 60 इंटू 1 अपॉन 4। यानी हर टर्म को आपने इसमें 60 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 से 60 डिवाइड हो जाएगा 30 टाइम और 5 से 60 डिवाइड होगा 12 टाइम, 3 से 60 डिवाइड होगा 20 टाइम और 4 से 60 15 टाइम डिवाइड होगा। अब हमारे पास बचा 30 इंटू एक्स यानी 30x माइनस 12 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स यानी 20x प्लस 15। अब हम 20x को बाईं ओर ले जाएंगे और माइनस 12 को दाईं ओर ले जाएंगे। ट्रांसपोजिंग 20x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 12 टू राइट हैंड साइड वी गेट 30x माइनस 20x इज इक्वल टू 15 प्लस 12। 30x में 20x लेस करेंगे और 15 में 12 ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10x इज इक्वल टू 27। और x ज्ञात करने के लिए 10 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में। राइट साइड में यह 27 के डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्राप्त होगा x इज इक्वल टू 27 अपॉन 10। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, n बाय 2 माइनस 3n बाय 4 प्लस 5n बाय 6 इज इक्वल टू 21। तो इसमें भी हम 2, 4 और 6 का लॉस ऑफ यानी LCM लेंगे। तो छोटी छोटी संख्याओं का LCM आप मौखिक ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे बड़ी संख्या का टेबल पढ़ेंगे और वहां पर रुक जाएंगे जहां पर छोटी संख्या का टेबल भी आ जाता है। जैसे 6 1 इज 6, 2 के पहाड़े में 6 आता है लेकिन 4 के टेबल में 6 नहीं आता है। अब हम 6 का पहाड़ा आगे बढ़ाएंगे, 6 2 जार 12। अब देखिये 12 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो 2, 4 और 6 का LCM हो गया 12। तो हम इस पूरे समीकरण को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह सिंपल फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12 वी गेट 12 इंटू एन अपॉन 2 माइनस 12 इंटू 3 एन अपॉन 4 प्लस 12 इंटू 5 एन अपॉन 6 इज इक्वल टू 21 इंटू 12। अब 2 से 12 6 टाइम, 4 से 12 3 टाइम और 6 से 12 2 टाइम डिवाइड होगा। अब हमारे पास बचा 6 इंटू एन यानी 6n माइनस 3 इंटू 3n, 3 3 जार 9n प्लस 2 इंटू 5n यह हो जाएगा 10n इज इक्वल टू 21 इंटू 12। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा 252। अब 6n और 10n को ऐड कीजिए, प्राप्त होगा 16n। 16n में से 9n को घटाएंगे तो मिलेगा 7n। तो इक्वेशन प्राप्त होगी 7n इज इक्वल टू 252। n का मान ज्ञात करने के लिए n के साथ जो 7 है यह बाएं साइड गुणा में है। जब हम इसे दाएं साइड भेजेंगे तो यहाँ यह भाग में चला जाएगा तो आपको प्राप्त होगा n बराबर 252 भागा 7। तो 7 का भाग हम 252 में देंगे जो कि 36 बार जाएगा तो प्राप्त होगा n इज इक्वल टू 36। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। 3, 6 और 2 का LCM लेंगे जो कि 6 आएगा। तो इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा 6 इंटू एक्स यानी 6x प्लस 6 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 6
6 × 17/6 − 6 × 5x/2। तीसरे पद में 3 से 6 दो बार विभाजित होगा और बराबर के बाद पहले पद में 6 और 6 कैंसिल और दूसरे पद में 2 से 6 डिवाइड होगा 3 टाइम। तो हमें मिला 6x + 6 × 7 = −2 × 8x = −16x = −3 × 5x हो जाएगा −15x। अब 6x − 16x करेंगे तो प्लस और माइनस घटते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है, तो चिन्ह रहेगा −16 में 6 कम करेंगे 10x, तो आपको मिलेगा −10x + 42 = −15x। अब हम −15x को बाईं ओर और +42 को दाईं ओर पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोजिंग 15x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 42 टू राइट हैंड साइड, वी गेट −10x को वैसे ही लिखेंगे +15x, जो दाईं ओर −15x था बाईं ओर आने पर यह +15x हो चुका है, और बराबर के बाद 17 को वैसे ही लिखेंगे और बाईं ओर जो +42 था दाईं ओर जाकर यह −42 हो चुका है। −10x + 15x में से 10x लेस करेंगे और 17 में से −42 लेस करेंगे तो प्राप्त होगा बाईं ओर 5x और दाईं ओर प्लस और माइनस घटेंगे, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहेगा, संख्यात्मक मान 42 अधिक है यानी ऋण अधिक है और 42 में 17 लेस करेंगे 25, तो यह प्राप्त हो गया 5x = −25। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए 5 को हम दाएं ओर भेजेंगे तो यह बाएं ओर गुणा में है, दाएं ओर जाने पर भाग में जाएगा तो प्राप्त होगा x = −25/5 यानी −25/5, तो 5 का भाग −25 में −5 बार जाएगा, हमें मिलेगा x = −5, यही प्रश्न का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, x − 5/3 = x − 3/5। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे जो कि 15 होगा, तो इस इक्वेशन को हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्राप्त होगा x − 5/3 × 15 = x − 3/5 × 15। बराबर के बाएं ओर 3 से 15 5 टाइम डिवाइड होगा और बराबर के दाएं ओर 5 से 15 3 टाइम डिवाइड होगा। अब हमारे पास बचा x − 5 × 5 और बराबर के दाएं ओर x − 3 × 3। अब दोनों ओर हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, 5 से x मल्टीप्लाई होगा 5x − 5 × 25 = 3 × x 3x − 3 × 3 9। अब 3x को बाईं ओर और −25 को दाईं ओर ट्रांसपोज करेंगे तो आपको मिलेगा बाईं ओर 5x − 3x, बराबर के दाईं ओर 3x प्लस में था, बाईं ओर यह माइनस हो चुका है और राइट साइड में −9 और बाईं ओर जो −25 है दाईं ओर आने पर यह +25 हो जाएगा, तो 25 − 9। अब 5x में 3x घटाएंगे और 25 में 9 घटाएंगे तो मिलेगा 2x = 16। x का मान ज्ञात करने के लिए 2 बराबर के दाएं ओर भाग यानी बटा में जाएगा तो आपको मिलेगा x = 16/2 यानी 16/2। अब 2 का भाग 16 में 8 बार जाएगा तो यह बराबर हो जाएगा 8। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 3t − 2/4 − 2t + 3/3 = 2/3 − t। 4, 3 एंड 3 का एलसीएम लेंगे जो कि 12 होगा, तो हम इस पूरे इक्वेशन को 12 से दोनों ओर गुणा कर लेंगे तो हमें मिलेगा जो पहला टर्म है 3t − 2/4 इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस दूसरे टर्म को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर के बाद 2/3 और ऋण 3 है इन्हें भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले पद में 4 से 12 3 टाइम और दूसरे पद में 3 से 12 4 टाइम डिवाइड होगा, बराबर के बाद 3 से 12 4 टाइम और दूसरे पद में 12 से t मल्टीप्लाई होगा, तो अब हमारे पास बचा 3t − 2 × 3 और दूसरे पद में −2t + 3 × 4।
और बराबर के बाद 4 × 2 − 12 × t यानी 12t। अब हम 3 से 3t − 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और −4 से 2t + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3 से 3t को मल्टीप्लाई करेंगे 90 − 3 × 2 = −4 से 2t को मल्टीप्लाई करेंगे तो −8t और माइनस से प्लस मल्टीप्लाई होगा −4 × 3 = 12 बराबर 4 और 2 गुणा होंगे 8 − 12t। अब 90 में से 8t को कम करेंगे तो बचा t और −6 − 12 ऋण और ऋण जोड़ते हैं चिन्ह ऋण ही रहता है तो यह हो जाएगा −18 और बराबर के दाईं ओर 8 − 12t को वैसे ही लिखेंगे। अब हम −12t को लेफ्ट साइड और −18 को राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे हमें मिलेगा t + 12t = 8 + 18। t और 12t ऐड होंगे और 8 और 18 राइट साइड में ऐड होंगे तो आपको मिलेगा 13t = 26 और t ज्ञात करने के लिए 13 से हम 26 में भाग देंगे जो कि 2 टाइम जाएगा तो हमें मिलेगा t = 2। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 m − 1/2 = 1 − m − 2/3। 2 और 3 का LCM 6 तो हम समीकरण के दोनों ओर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6 वी गेट पहले आपके पास m तो यह हो जाएगा m × 6 −m − 1/2 × 6 और बराबर के दाईं ओर 1 × 6 −m − 2/3 × 6। दूसरे पद में 2 से 6 3 बार विभाजित होगा और बराबर के बाद 3 से 6 2 बार विभाजित होगा। अब हमें इक्वेशन प्राप्त हुई 6 × m यानी 6m −m − 1 × 3 तो m − 1 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया और इसी प्रकार दाएं ओर 6 × 1 = 6 −m − 2 को ब्रैकेट में लिखेंगे × 2। अब हम दोनों ओर जो ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6m माइनस 3 से m को मल्टीप्लाई करेंगे 3m और यहाँ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस 3 × 1 = 3 बराबर 6 माइनस 2 और m मल्टीप्लाई होंगे 2m −(−) प्लस 2 × 2 = 4। 6m माइनस 3m हो जाएगा 3m और दाएं ओर 6 × 4 = 10 तो इक्वेशन मिलेगी 3m + 3 = 6 + 4 = 10 −2m। अब हम −2m को बाईं ओर और +3 को दाईं ओर पक्षांतर करेंगे ट्रांसपोजिंग 2m टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 टू राइट हैंड साइड वी गेट 3m + 2m −2m यहां आकर प्लस हो चुका है और दाईं ओर 10 − 3 बाईं ओर जो +3 था दाईं ओर आकर यह −3 हो गया है। 3m एंड 2m को ऐड करेंगे मिलेगा 5m और 10 − 3 = 7 तो m बराबर मिलेगा 7/5 यानी 7/5। दिस इज आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर वीडियो। थैंक यू।